हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू शिक्षा सो हेयर वी आर विद विदर सोशल प्रोटेक्शन वेलफेयर स्कीम एंड जो स्कीम अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी सो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा हर पॉइंट को तो सबसे पहले तो स्कीम के बारे में जान लेते हैं तो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है एरियाज के अंदर कैसे हर व्यक्ति को उसका खुद का घर प्रोवाइड किया जाए वो ये स्कीम टारगेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आती है जो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक अप्रैल दो को इस स्कीम को शुरू किया गया था मिनिस्ट्री याद रखिएगा जिस साल में लॉन्च किया गया था वो याद रखिएगा जब स्कीम को शुरू किया गया था तो टारगेट इसके अंदर क्या रखा गया था कि 2.95 करोड़ पक्का हाउसेस क्रिएट किए जाएंगे रूरल एरियाज के अंदर और ये जो हाउसेज है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है ईट सीमेंट लगा करके घर बना दिए घर के अंदर बेसिक अमेनिटीज जो है वो भी इसके अंदर रहेंगी चाहे वो टॉयलेट से रिलेटेड हो फिर वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो उस तरह की बेसिक अम्युनिटीज भी इसमें प्रोवाइड की जाएंगी इनिशियली जो टाइमलाइन थी इस स्कीम को कंप्लीट करने की यानी कि ये 2.95 करोड़ पक्का हाउसेस की कंस्ट्रक्शन की उसको सेट किया गया था मार्च 2022 लेकिन मार्च 2022 तक टारगेट कम्पलीटली अचीव नहीं हो पाया और इसी वजह से इस स्कीम की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2024 अब जनरली जब आप वेबसाइट्स वगैरह के अंदर पढ़ेंगे या जो नोट्स वगैरह भी आते हैं इंस्टीट्यूट्स के उसके अंदर काफी सारे के अंदर मैंने देखा है कि वो अभी तक थर्टी मार्च ट्वेंटी ही दिखा रहे हैं तो थर्टी मार्च ट्वेंटी तो निकल गया अब उसके बाद का क्या वो बताते नहीं है ठीक है तो अपडेटेड नहीं है तो आपने यहाँ पर ये अपडेट डाल लेना कि मार्च 24 तक ये बेसिकली एक्सटेंड हो चुकी है स्कीम एक तरह से बेनिफिशियरीज कौन होंगे स्कीम के अंदर ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो एससी एसटी जो कैटेगरी के लोग हैं दे विल ऑटोमेटिकली बी कवर्ड ठीक है बॉन्डेड लेबर्स बॉन्डेड जो पर्सन हु वर वर्किंग एज बॉन्डेड लेबरर्स पर फ्री करा लिया गया है जिनको ठीक है इवन इफ दे आर फ्रॉम नॉन एससी एसटी कैटेगरीज विडोज और नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ डिफेंस पर्सनल ऐसे डिफेंस पर्सनल हु हैव डाइड इन एक्शन ठीक है कोई एम्बुश हो गया या किसी भी ऑन ड्यूटी बेसिकली जिनकी डेथ हुई है उनकी विडोज या जो भी नेक्स्ट सर्वाइवर है उनकी uh, वो अगर है तो उनको भी यहाँ पर बेनिफिट uh, प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के अंदर एक्स सर्विसमैन एंड रिटायर्ड को भी कवर किया जाएगा डिसेबल्ड पर्सन एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी यहां पर कवर किया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली इसके अंदर से वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर एज अ बेनिफिशियरी कवर किया जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ठीक है तो अच्छे से याद करेगा करिएगा इसको बेनिफिशरीज की सिलेक्शन कैसे की जाएगी इसके ऊपर एक थ्री स्टेज वैलिडेशन प्रोसेस बनाया गया है सबसे पहले तो बेनिफिशरीज को चूज किया जाएगा सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के बेसिस पे और इस कास्ट सेंसस के अंदर जो नाम निकल करके आएंगे उसको वेरीफाई करेगा ग्राम सभा उस एरिया का ग्राम सभा उसको वेरीफाई करेगा एंड फाइनली एसेट्स की क्रिएशन के लिए जियो टैगिंग भी की जाएगी ताकि करप्शन को कम से कम रखा जा सके नहीं तो ऐसा होगा ना कि आ, ऑन पेपर तो घर बनते जाएंगे पर अल्टीमेटली वो पैसा कहां जाएगा करप्शन के अंदर जाएगा तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए वैलिडेशन यहां पर शुरू की गई है कॉस्ट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है कॉस्ट शेयरिंग होगी जो जनरल स्टेट्स हैं उनके केस में कॉस्ट शेयरिंग होगी सिक्सटी रेशियो फोर्टी की यानी कि साठ रुपए सरकार देगी और चालीस रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई या होता था, वो 20 का होता था, अब इसको बढ़ा करके ट्वेंटी मीटर कर दिया है, तो मिनिमम जो यूनिट हाउस होना चाहिए वो पच्चीस स्क्वायर मीटर का होना चाहिए ताकि कुकिंग वगैरह के लिए भी हाइजीनिक डेडिकेटेड स्पेस जो है वो क्रिएट किया जा सके मॉनिटरी असिस्टेंस प्लेन एरियाज के अंदर जो हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे उसके लिए होगा 1.20 लाख रुपीज एक लाख बीस हजार रुपए और हिली स्टेट्स डिफिकल्ट एरियाज ट्राइबल एरियाज ठीक है उन सबके लिए कितना होगा एक लाख तीस हजार रुपए तो ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा एक लाख बीस हजार रुपए मॉनिटरी असिस्टेंट प्लेन एरियाज के लिए एक लाख तीस हजार रुपए हिली स्टेट्स और डिफिकल्ट एरियाज के लिए ठीक है जी साथ ही साथ स्कीम में यह भी बोला गया है कि जो हाउसेज uh, हैं उनके लिए क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाए और कोशिश ये की जाए कि जितना हो सके लोकल मटेरियल को यूज किया जाए और जो लोकली ट्रेन मैसोन्स हैं लोकली ट्रेन्ड कारीगर हैं उनको इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए ताकि एक ट्विन इफेक्ट आए ठीक है इकोनमी भी उस एरिया की ग्रो करेगी नाउ देर इज ऑल्सो मैकेनिज्म ऑफ अ सर्वे इन दिस पर्टिकुलर स्कीम जिसको बोला जाता है आवास प्लस सर्वे आवास प्लस सर्वे बेसिकली क्या हुआ जब ये स्कीम लेकर के आए तो इसमें बोला कि यार जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के बेसिस पे हम बेनिफिशरीज चूज करेंगे बट थोड़े टाइम में ये रियलाइज हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं हु आर दो कैटेगरी वो है कि उनकी एलिजिबिलिटी बने बट उनका नाम सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से मिसिंग है तो सरकार ने बोला यार ऐसे तो फिर हमारी स्कीम का कोई फायदा ही नहीं होगा हमने जो अल्टीमेटली जो हमारी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर लोग हैं उनको अगर हम सिर्फ उनको कवर करेंगे तो बाकी के तो काफी लोग छूट जाएंगे तो स्कीम का फायदा क्या हुआ तो ये आवास प्लस सर्वे को क्यों लेकर के आए ताकि ऐसे एलिजिबल हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई किया जा सके जो 2011 के कास्ट सेंसस में छूट गए थे ठीक है जी ऑल राइट तो ये एक आवास प्लस सर्वे आप याद रखेंगे कि किस लिए कंडक्ट किया जाता है पेपर में वो डायरेक्टली पूछ सकता है देन इस स्कीम के अंदर एक और मैकेनिज्म जो है वो लेकर के आया गया इस स्कीम को वेरियस अदर गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ लिंक किया गया अब जैसे सरकार की स्कीम चल रही है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उसके अंदर सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टॉयलेट बनाने के लिए तो जो नए घर बन रहे हैं उनमें भी टॉयलेट सरकार चाहती है टॉयलेट बने ताकि स्वच्छता को एनकरेज किया जाए तो सरकार ने क्या बोला कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में टॉयलेट्स बनाने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से ले आएंगे ठीक है मनरेगा को भी जोड़ दिया मनरेगा को कैसे जोड़ दिया मनरेगा में सरकार ने बोला कि हमें इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है लोगों को ठीक है तो उसमें सरकार ने क्या कहा कि मनरेगा के अंदर वर्कर्स जो है हाउस कंस्ट्रक्शन में जाए ठीक है हाउस कंस्ट्रक्शन में जाएंगे अनस्किल्ड लेबर है ठीक है जी तो इजीली एक घर को बनाने के लिए 90 से पचानवे दिन पर्सन आपको चाहिए तो हंड्रेड डेज की सरकार ने एंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है तो सरकार इंप्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर देगी और जो मनरेगा के अंदर उस वर्कर को सैलरी प्रोवाइड करनी है वो सरकार प्रोवाइड कर रही है तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है एक तरीके से कंस्ट्रक्शन के उसमें वो सरकार दे रही है अराउंड अठारह हजार रुपए का खर्चा आता है अगर आप नब्बे से पचानवे दिन एक व्यक्ति को मनरेगा के अंडर काम कराते हो तो अट्ठारह हजार रुपये उसकी सैलरी बनती है तो ये भी सरकार दे देगी और ये अट्ठारह हजार वो जो हमने अभी पीछे देखा ना एक लाख बीस हजार और एक लाख तीस हजार जो सरकार असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है ये उससे अलग है ये उस एक लाख बीस हजार या एक लाख तीस हजार में इंक्लूडेड नहीं है तो ये एक एड ऑन बेनिफिट जो है वो सरकार प्रोवाइड कर रही है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस रूरल एरियाज में ठीक है क्योंकि ये अठारह हजार रुपए भी सरकार अल्टीमेटली देगी उसके बाद सरकार कह रही है कि बिजली भी चाहिए इलेक्ट्रिफिकेशन भी होनी चाहिए जो घर बन रहे हैं तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति स्कीम योजना के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर की हाउसेज की इलेक्ट्रिफिकेशन भी कराई जाए ठीक है उसके अंदर जो सारे बेनिफिट्स उस स्कीम के अंदर बेनिफिशरीज को मिलते हैं वो भी मिले और ये सारे बेनिफिट्स एक लाख बीस हजार और एक लाख तीस हजार से अलग है ठीक है तो टोटल अगर करोगे ना तो बेनिफिट अच्छे खासे हो जाते हैं एलपीजी कनेक्शन फ्री प्रोवाइड कराया जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस तो कुकिंग को भी हेल्दी बनाया जाए पाइपड वाटर सप्लाई जल जीवन मिशन के साथ लिंक कर दिया तो वेरियस स्कीम्स के साथ लिंक कर दिया ताकि उन स्कीम्स के अंदर जो जो बेनिफिट जो जो फाइनेंशियल असिस्टेंसेज मिल रही है वो भी एड ऑन वे में मिले ठीक है बेनिफिशियरी अवेयरनेस के लिए सरकार ने क्या बोला सरकार कहती है देखो अब एक साथ सबके घर तो बन नहीं सकते सरकार कहती है कि ग्राम पंचायत का क्या काम है वो एक परमानेंट वेट लिस्ट बनाएंगे ठीक है और वो वेट लिस्ट को ना गांव की दीवारों पे चिपका देंगे जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स है ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ भाई उनका नाम वेट लिस्ट में है ठीक है जब पिछले घर खत्म हो जाएंगे तो उनका नंबर आएगा तो एक अवेयरनेस जो है वो जनरेट होगी एलिजिबल हाउस को पता रहेगा कि हाँ भाई हम एलिजिबल है इस काम के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का भी इसके अंदर प्रोविजन है प्रधानमंत्री आवास योजना में क्लियरली लिखा है कि भैया हाउस की जो अलॉटमेंट होगी वो या तो वुमेन के नाम पे होगी घर या तो महिला के नाम पे होगा या जॉइंट नेम में होगा जॉइंट यानी कि हस्बैंड वाइफ सिर्फ हस्बैंड के नाम में नहीं हो सकता सिर्फ हस्बैंड के नाम पे तब हो सकता है या तो सेपरेशन uh, हो चुका हो हस्बैंड वाइफ का दोनों का ठीक है या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन अनमैरिड हो या वाइफ की डेथ हो चुकी हो तो वो एक अलग सिनेरियो है इफ देर आर टू पीपल मैरिड पर्सन है तो या तो उसकी वाइफ के नाम पर होगा या दोनों के ज्वाइंट नेम में होगा ठीक है हस्बैंड uh, के नाम पर सिर्फ नहीं होगी प्रॉपर्टी एविडेंस बेस्ड मॉनिटरिंग का इसके अंदर प्रोविजन है ताकि

वो सरकार ये फोटोग्राफ्स और जियो टैगिंग के बेस पे देखेगी कि हाँ भाई इतना काम हो गया चलो पैसे दे दो इतना काम हो गया अब नेक्स्ट पैसे दे दो ठीक है जी उसके अलावा स्कीम की मॉनिटरिंग करने के लिए एम आई एस बेस्ड एक आपका आवाज सॉफ्ट आवाज ऐप इनको यूज किया जा रहा है ताकि एसेट्स को मॉनिटर किया जाए पैसा जो है ताकि करप्शन ना हो और मिडलमैन पैसा ना खा जाए पैसा डायरेक्टली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू बेनिफिशियरी के खाते में जाएगा उसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए अगर आप देखो सोशल ऑडिट का इसके अंदर प्रोविजन है कम्युनिटी ग्राम सभा के लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और सोशली ऑडिट करेंगे कि क्या एसेट्स क्रिएट हुए हैं दिशा कमिटी मीटिंग्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हेड करते हैं नेशनल लेवल मॉनिटर्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तो ये सब लोग जो है मॉनिटरिंग का काम करते हैं कि क्या एक्चुअल में स्कीम के अंडर काम हो रहा है क्या एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं सो right, so ये एक एश्योरेंस क्रिएट करने के लिए यहां पर आ जाता है ओके okay, सो so दिस इज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसके अंदर पॉइंट्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं ओके आई होप आप लोगों को मजा आया होगा मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप मेल जैसे भी आप कॉन्टैक्ट करो और कमेंट जरूर करके बताना कि कैसा लगा वीडियो और अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय